में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से गोरखनाथ मंदिर में पीएसी जवानों पर हुए हमले पर बातचीत की। बातचीत में साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि यह हमला भारतीय संस्कृति पर हमला है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में निगाह रखे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हमारे साथ में मौजूद है। साध्वी जी, गोरखपुर मठ पर हमला करने आए थे दो आतंकवादी जिन्होंने सुरक्षा कर्मियों को घायल तक कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसके माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर इस पर निगाह रखे होंगे और माननीय गृह मंत्री जी, इस तरह की हरकतें करने वाले देश के अंदर कहीं भी हों, ये एक मस्ट पर हमला नहीं हुआ है, एक भारतीय संस्कृति पर हमला हुआ है, भारत के मान पर हमला हुआ है, गौरव पर हमला हुआ है और एक दुखद है। इस पर सारी पार्टियों को बोलना चाहिए और मुझे लग रहा है इस विषय पर नहीं बोलेंगे। साध्वी जी, खुद गोरखपुर मठ जहाँ से कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, जब गोरखपुर मठ पे इस तरह का हमला हो सकता है तो फिर उत्तर प्रदेश की जनता कैसे सुरक्षित हो? कहीं भी हो वो सुरक्षित हैं और मुझे लग रहा है कि ये घटना पर माननीय गृह मंत्री की जगह न्याय होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। साध्वी निरंजन ज्योति जिनका कहना है कि खुद गृह मंत्री की भी इस पर घटना पर निगाह होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। संजय शर्मा।